गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे मॉर्निंग मैम। हो सब? वी आर फाइन मैम। ओके, हैव यू डन दिस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर? ठीक यस है, तो आई होप सबको पता है मैटर किसको बोलते हैं। यस ओके, हुज प्रणव फ्रॉम 9B, कैन यू टेल मी व्हाट इज मैटर? यस हाँ जी बताओ, व्हाट इज मैटर? मैटर किसको बोलते हैं? कोई एग्जांपल दे सकते हो मैटर का? टेबल टेबल और क्या देख रहे हो? जो भी आप देख रहे हो इस रूम में वो सब मैटर है। ठीक है, इनफैक्ट जो नहीं देख रहे हो वो भी मैटर है। आपको एयर नहीं दिख रही है ना, वो भी मैटर है। ठीक है, तो मैटर किसको बोलते हैं? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। आप भी मैटर हो, यू हैव मास, यू ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, चलो बैठो, वेरी गुड, चलो बैठो। देखो, मैटर है कोई भी चीज विच हैज मास विच ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर, आपने थ्री स्टेट्स आपने मैटर की पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जो ये चैप्टर है वो इन्हीं स्टेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन, किस तरह से ये कंबाइन करके अलग अलग तरह के मिक्सचर सॉल्यूशंस बनाते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेकिन आपको फिर पता होना चाहिए कि मैटर क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, पार्टिकल्स इसमें किस तरह से अरेंज्ड है, अगर वो आपको पता है तो इस चैप्टर को समझने में और आसानी हो जाएगी। जैसे आप सॉलिड के बारे में पढ़ते हो कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इतना क्लोजली पैक्ड कि बीच में कोई जगह नहीं है किसी और के आने की। तो जब आप सॉलिड के सॉल्यूशंस बनाओगे, उनको मिक्स करोगे, तो आप एक एटम को रिप्लेस कर सकते हो दूसरे से, क्योंकि बीच में फिट करने की जगह नहीं होती है। इसीलिए सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अरेंजमेंट पता होना जरूरी है। नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? ये जो एटम्स हैं ये थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। तो जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे या लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करोगे, तो ये जो गैप्स हैं वहां पर नई चीज ऐड हो सकती है। जैसे आप करते हो, अगर आप एक ग्लास पानी में पूरा रिम तक भरा हुआ है वो पानी, ठीक है, आप उसमें एक स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करते हो, तो वो पानी फिल नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इन थोड़े से गैप्स के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। बहुत सारा डालोगे तब जाएगा बाहर ग्लास से, लेकिन थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करोगे तो जितना स्पेस इन पार्टिकल्स के बीच में है, जितना सॉल्ट उसमें ऑक्यूपाई हो सकता है वो हो जाएगा। उससे ज्यादा डालोगे तो वो स्पिल कर जाएगा। इससे रिलेटेड आपने टर्म्स पढ़ी होंगी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो जब तक ये स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा तब तक वो सैचुरेट होता रहेगा। एकदम फुल हो गया तो सैचुरेट हो गया, उससे ज्यादा डालोगे तो सुपर सैचुरेट। और जब तक ये स्पेस अभी खाली है उस वक्त तक जब सॉल्ट ऐड किया जाता है वो अनसैचुरेटेड स्टेट होती है। ठीक है, और गैसेस में ये गैसेस जो हैं वो बहुत एटम जो है बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत गैप्स होते हैं इनके बीच में, जिसकी वजह से वो इजीली कंप्रेस हो सकते हैं। आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो इजीली, ठीक है, लेकिन सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि उनके बीच में गैप ही नहीं है कि आप उनको प्रेस करो तो वो आपस में कुछ एडजस्टमेंट करके थोड़ा पास और आ जाए। वो मैक्सिमम जितना भी डिस्टेंस क्लोज हो सकते हो उतना ऑलरेडी है। लाइक आप अपने टेबल को प्रेस करके उसमें थोड़ा सा, वो अगर वो बोर्ड से बना है तो बोर्ड में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पर स्टिल यू कांट प्रेस इट। ठीक है, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, या ये मेरे पास पेन है मैं इसको भी प्रेस करूंगी, ये अंदर से पूरा फिल्ड है, ये नहीं हो पाएगा प्रेस। ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अभी मैक्सिमम जो भी जितना क्लोज हो सकते हैं उतना है। तो ये है मैटर।
दूसरी चीज आपके चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। नाउ व्हाट इज प्योर? यू कैन टेल मी, आप लोगों के लिए प्योर चीज क्या होती है? आप लोग मीन्स एज एज अ कॉमन मैन, आप प्योरिटी किसको समझते हो? एज अ साइंस स्टूडेंट प्योरिटी एक अलग डेफिनेशन वाली होती है। कोई डिफरेंस बता सकता है कि प्योरिटी एक कॉमन मैन के लिए डिफरेंट क्यों है और एज अ साइंस स्टूडेंट या एक साइंटिस्ट के लिए प्योरिटी का मतलब डिफरेंट क्यों है? कोई बताना चाहेगा? इट्स योर चॉइस, एनीबॉडी कैन कम एंड टेल मी व्हाट इज प्योरिटी फॉर अ कॉमन मैन, व्हाट इज प्योरिटी फॉर अ साइंस स्टूडेंट। मैं बताऊं? चलो देखो, अगर आप कॉमन मैन के लिए बात करोगे तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी नानी मुझे गांव से घी भेजती थी कि प्योर देसी घी है, ठीक है। उनके लिए वो प्योर क्यों है? क्योंकि उन्होंने उसमें कोई मिलावट नहीं की है, ठीक है। जो हम वहां पर गांव में दूध पीते हैं वो प्योर दूध माना जाता है क्योंकि उन्होंने उसमें कोई मिलावट नहीं की है, ठीक है। तो ये कॉमन मैन की डेफिनेशन है कि अगर किसी चीज में कोई मिलावट नहीं है, कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, तो वो चीज प्योर है। लेकिन एज अ साइंस टीचर अगर मैं बात करूं तो प्योर सब्सटेंस क्या होगा? जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से, एक ही तरह के एलिमेंट से बना होगा, उसमें कोई और चीज मिक्स नहीं होगी, ठीक है। खाने वाली प्योरिटी अलग है, एज अ साइंस टीचर किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी अलग है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल प्रेजेंट होगा, कोई और आ गया तो वो मिक्सचर बन जाएगा, वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा, दो चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहले मैटर समझो, मैटर क्या है, इनकी प्योरिटी कब तक रहेगी? जब तक ये, अगर जैसे मेरे पास ये सॉलिड है, मान लो मेरे पास ये आयरन की शीट है, तो इसमें सारा आयरन के ये जितने भी, ये सर्कल क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स आपने सुना होगा, सबसे छोटा पार्टिकल कोई भी अगर होता है, तो ये जो है हम स्फेरिकल उसको अज्यूम करते हैं कि ना इस दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल जिससे सारी दुनिया बनी है, सारा मैटर बना है, वो स्फेरिकल है, शेप में गोल है, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल्स आपस में कैसे अरेंज्ड है? हर सॉलिड में उसकी अरेंजमेंट ऐसी है कि वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है। तो मैंने अगर ये आयरन की शीट ली, इसमें हर एक जो स्फीयर है वो एक आयरन का एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक आयरन की शीट में सारे ऐसे अरेंज हैं। अब अगर मुझे एक स्टील, जैसे आपने स्टील की थाली यूज की होगी, ठीक है, प्लेट यूज करते हैं हम, तो उस स्टील में आयरन के साथ कार्बन होता है, और भी एलिमेंट्स, उसकी पॉलिशिंग की जाती है, ठीक है, ताकि वो करोड ना करे, खराब ना हो, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, बहुत सारी और चीजें ऐड होगी, वो प्योर नहीं रहा। ये आयरन की शीट मेरे लिए प्योर थी, लेकिन जब वो स्टील बनाया, उसमें कार्बन डाले और ताकि उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव होते, क्योंकि आयरन की थाली वो करोड कर जाती है, रस्ट लग जाती है उसमें। तो स्टील की थाली, आयरन के हम बर्तन यूज करते हैं क्योंकि आयरन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो क्योंकि वो निकलता रहता है, तो उस बर्तन से तो वो हमारे फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पार्ट बन जाएगा, मतलब तो वो फूड के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगा। लेकिन हम प्लेट में वो अलग सा लगेगा ना, फिर इसलिए उसको स्टील का बना देते हैं, उसमें मिक्सचर उसका बना के उसको अच्छी बेटर प्रॉपर्टीज देन आयरन उसको लाने के लिए मिक्सचर बना देते हैं, वो प्योर नहीं रहता फिर। वैसे लिक्विड की अगर हम बात करें, मेरे पास अगर पानी है, वैसे पानी में भी बहुत कुछ होता है, ठीक है, तो पानी एक लिक्विड है। अगर अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, तो वो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में क्या होता है। तीन तरह के सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर ये गैस है, गैस का तो आपको पता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ये रहता है, बहुत रैंडम रहते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं, लेकिन सॉलिड की डेफिनेट शेप भी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। मतलब 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर पानी ही रहेगा, चाहे आप उसको बॉटल में डालो, चाहे किसी वेसल में डालो, चाहे बकेट्स में डालो, बस जिस भी चीज में डालोगे उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट रहेगा, वो 1 लीटर ही रहेगा।
ठीक है। ओके देखो, अब हम करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है, जिस चैप्टर जिसके आप बहुत डिटेल्ड इसमें पढ़ते हो। तो वैसे जो सॉल्यूशंस हैं वो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग, जो उनकी प्रॉपर्टीज भी उसी की वजह से वेरी करती है, तो तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशन, जिसको हम सिर्फ सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, क्योंकि हम असली मायने में इसी को सॉल्यूशन बोलेंगे। और जो ज्यादातर सॉल्यूशन है हमारे पास, या तो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, या सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। और जो थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, दिस इज सस्पेंशन। ठीक है। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या है? जैसे उसके नाम से ट्रू वर्ड क्यों आया, कि वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और आपको देखने से तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ मिक्स भी हुआ है कि नहीं। अभी जैसे आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या आपको पता है इसमें मैंने नमक डाल के रखा है? नहीं, आपको नहीं पता, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में आप नेकेड आई से नहीं बता सकते हो कि उसमें कुछ डिजॉल्व है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आई से नहीं देख सकते। बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो इन छोटे पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। मीटर सुना है ना? मीटर में भी 10^-9, इतना छोटा, आपकी इमेजिनेशन में भी नहीं आएगा, वो इतना छोटा पार्टिकल का साइज होता है। ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दैट विल बी बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन में तो वो बहुत बड़ा होगा। ठीक है। इतना बड़ा कि आप नेकेड आई से देख सकते हो, लार्ज साइज। जैसे कि आपने मिट्टी घोल दी अगर पानी में, तो वो सस्पेंशन बन जाएगा। अगर आपने इंक का ड्रॉप इस पानी में, अगर मैं इंक का ड्रॉप डाल दूं, ठीक है, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। या फिर मैं स्टार्च डाल दूं तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सॉल्यूशन बनेगा। तो अगर हम बात करें देखने की, तो इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ये भी नहीं पता चलता कई बार, ठीक है, मगर जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उससे पता चल जाता है। डिपेंड करता है ना, अगर आपको कोई चीज कलर दे रही है तो आप देख के बता दोगे कि हाँ जी इसमें कुछ डिजॉल्व है, लेकिन अगर कोई चीज कलर नहीं शो कर रही है तब आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है कि भी इसमें कुछ एडेड है या नहीं है। ठीक है। और ये तो आपको नेकेड आई से दिख जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर मैंने इस पानी के ग्लास में एक स्पून शुगर की ऐड की, ठीक है, तो ये शुगर, इसको हम बोलेंगे सोल्यूट। एक स्पून मैंने ऐड किया ना, तो जो कम क्वांटिटी में होती है चीज उसको कहा जाता है सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो है सॉल्वेंट। तो ये सबसे इजी एग्जांपल रहता है कि शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर। तो जो चीज आप ऐड कर रहे हो थोड़ी क्वांटिटी में, जनरली क्वेश्चन में तो हम ये देखते हैं कि दिस इज एडेड टू दिस, तो जनरली जो कम चीज है उसी को ज्यादा चीज में ऐड किया जाता है। ठीक है। अब जैसे हमने नींबू पानी बनाना है, तो हम पहले ग्लास ऑफ वाटर लेके उसमें चीनी ऐड करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि चीनी ऐड करेंगे, पहले चीनी लेंगे किसी चीज में, उसके बाद पानी उसमें डालना शुरू करेंगे। जनरली हम यही करते हैं कि सॉल्वेंट लेके उसके अंदर सोल्यूट डाल के उसको डिजोल्व करते हैं। ठीक है। तो यस, एक है आपके पास सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। ठीक है। सॉल्यूट जो है वो लेस क्वांटिटी में है, और सॉल्वेंट जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी में है। जो भी मैं लिख रही हूँ प्लीज ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। आई हैव योर नेम्स, आई विल आस्क एनी वन ऑफ यू एंड यू शुड नो द आंसर। ठीक है। सो बी अटेंटिव
मैं कभी भी किसी को भी उठा के पूछूंगी तो आपको एम्बेरेस नहीं होना है फिर, ठीक है? ध्यान से सुनो, और इजी है ये, डिफरेंसेस के फॉर्म में करोगे और इजी हो जाएगा, ठीक है? तो सॉल्यूट है जो लेस क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट है जो ज्यादा क्वांटिटी में है। अब ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, ये इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं चाय बनाती हूँ, अगर ठीक है, मैंने उसमें जो भी चीजें ऐड की बहुत अच्छे से, बहुत सारे सॉल्यूट उसमें मैंने चीनी भी डाली, मैंने टी लीव्स भी ऐड किए, मैंने इलायची भी डाली, व्हाटएवर जो भी है, फिर मैंने उसको छान के जो मेरी चाय बनी, दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर? जिसमें बहुत सारी चीजें जो भी हैं, बहुत सारी या दो भी हो सकती है वैसे तो, पर होमोजीनियस किसको बोलते हैं मुझे बताएगा समीर फ्रॉम 9A? बता सकते हो बेटा व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? यस, बोलो बेटा व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ सी, मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ सेम, सेम। अच्छा ठीक है, सेम क्या चीज? मैंने बोला मेरी चाय होमोजीनियस मिक्सचर है, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होमो का मतलब ही सेम होता है, तो उसमें जो भी चीजें, जैसे मैं चाय की जो भी सिप लूंगी, जितनी बार भी लूंगी, वो मुझे सेम टेस्ट देगी, क्योंकि जो भी चाय के लिए मैंने कंपोनेंट्स डाले ना, वो सब इक्वली मिक्स हुए सब तरफ, ठीक है? तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें सारी कंपोनेंट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहे थ्रू आउट। यूनिफॉर्म मतलब यूनि मीन्स एक ही फॉर्म में, एक ही जैसा टेस्ट मुझे हर सिप में मिल रहा है, तो वो है यूनिफॉर्म, एक जैसा टेस्ट। तो वैसा ही एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसमें एक जैसी कॉम्पोजिशन रहती है थ्रू आउट। अच्छा मुझे बताओ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? लेस क्वांटिटी को सॉल्वेंट लेस क्वांटिटी वाली चीज को सॉल्यूट बोलते हैं, बोलते हैं, और ज्यादा क्वांटिटी वाली चीज को सॉल्वेंट ग्रेटर बोलते हैं। कोई एग्जांपल देके बताओगे अब इसी चीज को? कोई भी एग्जांपल, दो चीजें आप जिसमें मिक्स कर रहे हो, अभी हमने दो तीन एग्जांपल किए, जो आपके माइंड में आता है बोलो। सॉल्वेंट वाटर, सॉरी, सोल एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? मैम सोल्ट है, सोलेंट वाटर है, मैम सॉल्वेंट है, दोनों सॉल्वेंट है। सॉल्ट सॉल्ट क्या है? है, सॉल्ट है, सॉल्वेंट आपने कितना वाटर, सॉल्ट डाला है पानी में? कितना पानी लिया, कितना सॉल्ट लिया है? सॉल्यूशन बनाने के लिए थोड़ा तो बता दो ना, अभी मुझे पता नहीं है, फिर मैं क्वांटिटी के हिसाब से देखूंगी कि आपने किसमें क्या डाला, तो क्या सॉल्यूट और क्या सॉल्वेंट हो, कितना कितना लिया था? एक गिलास पानी लिया होगा तो सॉल्ट कितना डाला उसमें? वन स्पून 1 स्पून। तो कम क्वांटिटी में है वो, तो सॉल्ट क्या हो गया? स्लो स्लो सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट, ठीक यस है? चलो गुड, चलो बैठो बेटा।
हमने किया कि जो लेसर क्वांटिटी में, जो छोटा वाला नाम है ना लेसर क्वांटिटी वाला, दैट इज सॉल्यूट, बड़ा वाला नाम सॉल्वेंट, उससे याद रखना, बड़ी वाली क्वांटिटी बड़ा वाला नाम दैट इज सॉल्वेंट, छोटी वाली क्वांटिटी छोटा वाला नाम दैट इज सॉल्यूट, अगर कंफ्यूजन होती है तो। ठीक है, अब देखो ये जो कोलॉइडल सोल्यूशन है इसमें सॉल्यूट को कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मीडियम। अब इनको क्यों अलग नाम दिया गया, इसमें ये सॉल्यूट ही है डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट है डिस्पर्जन मीडियम, लेकिन इनको इसीलिए अलग नाम दिया क्योंकि ये दोनों अच्छे से पूरा होमोजीनियसली मिक्स नहीं होते। जो ट्रू सॉल्यूशन है या जिसको आप सिरप सॉल्यूशन बोलते हो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है दैट इज हेटरोजीनियस मिक्सचर, राइट? ये तो है ही हेटरोजीनियस, इसमें तो अगर आप मिट्टी डिजोल्व करते हो पानी में तो आपको वो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, आप अगर मिट्टी डिजोल्व करते हो पानी में, आपने शायद कभी की भी हो, तो मुझे बता सकते हो कि क्या होता है, क्या आप ऑब्जर्व करते हो? हुज अशनीत, नहीं अशीत, अशीत है या अशनीत है? अशीत फ्रॉम 9A, अशीत लिखा है यहाँ पे। तो एब्सेंट, एब्सेंट ओके फाइन। तन्वीर फ्रॉम 9A, 9th A, अच्छा बेटा आप बताओ, अगर अगर आप मिट्टी डिजोल्व करोगे पानी में तो आपको क्या लगता है क्या होगा उस मिट्टी का? वो हमेशा वैसे ही गंदा पानी बना के रखेगी या थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगी? मैम, जो लाइट पार्टिकल्स है वो ऊपर फ्लो करे जाएंगे, जो मैम हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे जाएंगे। वेरी गुड। देखो ऐसा होता है सस्पेंशन में कि हेवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, अब ये तो आसान बात है क्योंकि सस्पेंशन में आपने मिट्टी देखी हुई है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते। अब ये तो लार्ज साइज पार्टिकल बोला ना हमने, तो इसमें थोड़ी देर बाद जो भी आप इसमें डिजोल्व करोगे थोड़ी देर बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जब आप उसको स्टर करते हो वो घूमता रहेगा, थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, बट सेम थिंग इज नॉट ऑब्जर्व इन कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। ओके बेटा वेरी गुड, प्लीज गो। अब ये सेम डिफरेंसेस हम कर रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो हमने सस्पेंशन में बात की कि जो जब आप मिट्टी को डिसॉल्व करते हो पानी में तो थोड़ी देर में वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा क्योंकि लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है। बट आई टोल्ड यू जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, यही आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यही इसकी जो प्रॉपर्टीज, मैंने कहा कि प्रॉपर्टीज इनकी इसी चीज पे डिपेंड करती है, एक पार्टिकल साइज हो गया, ठीक है, पार्टिकल साइज की वजह से ही यहाँ पर वो सेटल हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा है। ट्रू सॉल्यूशन में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ इसमें पुट किया गया है या नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों को अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो तो मैं कैसे करूंगी? मैं यहाँ पर लाइट इस पे डालती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लाइट को हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये लाइट की सोर्स है, मैंने इसमें से इस लाइट पास की, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन में से, तो मुझे कुछ भी नहीं
कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, मुझे नहीं दिखेगा कि इसमें कुछ हुआ भी, ठीक है, इस सॉल्यूशन में से। क्यों? क्योंकि लाइट जो है जब इससे पास करेगी तो इस ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि कोई उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लाइट उसके ऊपर से जंप करके चल जाएगी। लाइट ना ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है वेव की तरह, ठीक है, तो उसके ऊपर से जंप करके चली जाएगी। लेकिन जब यही लाइट इधर से पास करेगी तो मुझे वो दिखेगी कि वो लाइट यहाँ से रोशनी दिखेगी मुझे जाती हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल साइज थोड़ा सा बड़ा है ट्रू सॉल्यूशन से, तो जब वो लाइट जाएगी तो उसे टकरा जाएगी, टकरा के बिखर जाएगी। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पढ़ा आपने चैप्टर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट? देयर इज अ टर्म टू इट। कैन एनीबडी टेल मी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक स्पेशल वर्ड, कोलोइडल सॉल्यूशन जब लाइट को स्कैटर करता है तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। हैव यू एवर ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट इन योर रियल लाइफ? कभी देखा है टिंडल इफेक्ट होते हुए? हु कैन टेल मी, एनीबडी जिसने भी ऑब्जर्व किया है प्लीज कम टू द माइक एंड टेल मी क्या ऑब्जर्व किया है, कहाँ ऑब्जर्व किया है उन्होंने टिंडल इफेक्ट? किसी ने नहीं देखा टिंडल इफेक्ट रियल लाइफ में? ये तो गलत है, ठीक है मैं बताती हूँ। जैसे कभी ऑब्जर्व करना, किसी रूम में अगर आप जाते हो, ठीक है, अगर वहां पर सनलाइट है बाहर, ठीक है, वहां पर किसी छेद से, किसी छोटे से कोने से कहीं से लाइट आ रही होगी, आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। ऑब्जर्व किया कभी? हो सकता है क्लासरूम में भी कभी हो कि कहीं से थोड़ी सी लाइट आ रही है, जैसे दरवाजा खुला होता है कई बार बाहर से थोड़ी सी, जैसे आपका भी मुझे लग रहा है दरवाजा खुला है, थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा अंधेरा है, ठीक है, बाहर से थोड़ी सी लाइट आ रही है, उस लाइट में आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं छोटे छोटे, कभी ये ऑब्जर्व किया है? नहीं। बस वही है टिंडल इफेक्ट। क्या हुआ वो? जब वो लाइट आई, ठीक है, ये जो हमारी एयर है ना, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गई बहुत सारे गैस पार्टिकल्स का, ठीक है, लेकिन उसमें जब डस्ट आती है ना, डस्ट के पार्टिकल एयर के पार्टिकल से बड़े हैं, सॉलिड भी हैं, तो वो एक हीटरोजीनियस। अभी पढ़ा ना हमने कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो तो होमोजीनियस है लेकिन ये हीटरोजीनियस है। तो ऐसे इमेजिन करो, ये हमारी एयर थी जहां कुछ भी नहीं दिख रहा था, ये जो छोटे छोटे डॉट्स है ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स आने की वजह से वो भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो उसमें से जब मैंने लाइट, जो सनलाइट है, उस एयर में से आएगी, डस्ट पार्टिकल्स आपको तब दिखते हैं क्योंकि वो लाइट को स्कैटर करते हैं। वो डस्ट के पार्टिकल्स का जो साइज है, दैट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, गेटिंग इट? वो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर दिखते करते हैं, तब जाके आपको वो दिखता है वो डस्ट पार्टिकल, अदरवाइज नहीं दिखते। अभी मैं इस रूम में हूँ, मुझे तो कोई डस्ट पार्टिकल नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन जब मैंने लाइट पास की, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मैंने इसमें सॉल्ट डिजोल्व किया है आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इसमें से मैं लाइट पास करूं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुझे दिखेगा कि कुछ तो लाइट इसमें से पास हो रही है, मतलब कोई पार्टिकल है जो इसके साथ टकरा के इसको स्कैटर कर रहा है और मुझे लाइट इसमें से पास होती हुई दिख रही है, क्योंकि जब कोई पार्टिकल नहीं था तो उसमें से लाइट पास होती हुई मुझे नहीं दिखती थी, ठीक है। तो दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, गॉट इट? अच्छा ओके, देन मुझे प्रणव बताएगा फ्रॉम 9B, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? क्या पढ़ा अभी हमने, कहाँ हम पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट? प्रणव फ्रॉम 9B बताओ। हाँ जी, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? क्या आपको समझ आया टिंडल इफेक्ट किसको बोलते हैं? क्या हुआ यहाँ पे लाइट पास करने पे? डल बोलो बेटा, यहाँ पर जब लाइट पास की, क्या क्या आप देखा आपने? जब आपने ट्रू सॉल्यूशन से लाइट पास की तो क्या हुआ? पास नहीं
लाइट पास, नहीं लाइट पास हुई लेकिन हमें दिखती नहीं क्योंकि कोई स्कैटर नहीं करता पार्टिकल, ठीक है। और जब मैंने कोलोइडल सॉल्यूशन से लाइट पास की तब क्या हुआ, पार्टिकल पार्टिकल्स से, तो उन्होंने क्या किया, लाइट को भी हाँ लाइट को स्कैटर कर दिया। और इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, कौन सा, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, लाइट को जब स्कैटर करता है कोलॉइडल सॉल्यूशन तो उसको कौन सा इफेक्ट कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट, बोलो मेरे साथ, टिंडल इफेक्ट। इफेक्ट, ठीक है। जब कोलॉइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर करता है दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। रिपीट आफ्टर मी, क्या बोला मैंने, बोलो बोलो, पार्ट द लाइट When light passes through colloidal solution, it scatters. This is called इफेक्ट। Tyndall effect. Good बेटा, चलो बैठो। Okay, so हमने किया मैटर, हमने किया प्योर चीज क्या होती है, हमने किया मिक्सचर। मिक्सचर में होमोजेनियस जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रखता है, हीट्रोजीनियस जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है। आपको पता है आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो भी एक मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर है, क्या क्या मिक्स्ड होता है कोल्ड ड्रिंक में, बोलो, एनीबडी, कम ऑन द माइक, मुझे ऐसे सुनाई नहीं दे रहा, आप लोग अगर कुछ बोल भी रहे हो तो। कोल्ड ड्रिंक में व्हाट इज मिक्स्ड इन व्हाट, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस इज मिक्स्ड इन वाटर दैट मेक्स कार्बोनिक एसिड, कहते हैं ना एसिडिक होती है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। कुछ लोग उसको टॉयलेट क्लीनर इसीलिए बोलते थे कि एसिड से क्लीन की जाती है अदरवाइज टॉयलेट, तो कुछ लोग उसको डिफेम करने के लिए कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, वैसे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उसमें वाटर और CO2 के कॉम्बिनेशन से कार्बोनिक एसिड बनता है जो कि नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर बोन्स, ठीक है, एसिडिटी भी होती है। अच्छा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, कोई अपनी इच्छा से भी बता सकता है, अगर किसी को पता है कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं, प्लीज कम ऑन माइक एंड टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कंसंट्रेशन। जब क्लास शुरू हुई थी बोला था मुझे किसी ने कि आता है कंसंट्रेशन। ओके कंसंट्रेशन बेटा अमाउंट ऑफ सोल्यूट है किसी भी सॉल्वेंट में, जैसे अगर मैंने 2 ग्लास पानी लिया तो मैंने इसमें 1 स्पून ऐड किया शुगर का और मैंने इसमें 5 स्पून ऐड किए शुगर के। अब मुझे आप बता सकते हो विच इज लेस कंसंट्रेटेड एंड विच इज मोर कंसंट्रेटेड, इतना तो बता सकते हो किसकी कंसंट्रेशन कम है किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, भावना फ्रॉम 9B प्लीज कम टू द माइक एंड टेल मी इन दोनों ग्लासेस में से किसकी कंसंट्रेशन कम है किसकी ज्यादा है, इशिद है, भावना, यस, व्हिच इज लेस कंसंट्रेटेड अमंग दीज, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए या बी में से व्हिच इज लेस कंसंट्रेटेड, ए, वेरी गुड, प्लीज सर, तो जिसमें कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला है आपने वो लेस कंसंट्रेटेड हुआ और जिसमें ज्यादा डाला है वो मोर कंसंट्रेटेड हुआ। इसी पे बात करते हैं, सपोज मेरा जो ये लिक्विड है ये मैंने, ये मेरा लिक्विड के पार्टिकल्स मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब कंसंट्रेशन शो करने के लिए मैंने इसमें ये जो भी आप शुगर ऐड कर रहे हो ना वो यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, तो बिकॉज इसमें मैंने ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया है तो ज्यादा डॉट्स बना देते हैं, यहाँ पर लेस कंसंट्रेटेड बनाया तो यहाँ लेस डॉट्स बना देते हैं, ये जो डॉट्स है वो शुगर के पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पर हमने ऐड किए हैं।
हम बात करते हैं, एक होता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कौन कितना उसमें घुल रहा है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का एक रूल होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, कि एक जैसी चीजें आपस में डिजॉल्व होंगी, ठीक है। जैसे नमक और पानी आप डिजॉल्व करते हो, फटाफट डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन क्या ऑयल और वाटर आपस में इतना इजीली डिजॉल्व होता है? नहीं होता, क्योंकि ऑयल का नेचर अलग है पानी से। हम पढ़ते हैं बड़ी क्लासेस में पोलर और नॉन पोलर, ऑयल इज नॉन पोलर, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वो अब कॉम्पोजिशन पढ़ोगे तब पता चलेगा। पर वैसे सॉल्युबिलिटी का रूल ये है कि आज अगर आप नोटिस करते हो कि कोई चीज पानी में घुल रही है, मतलब उसका नेचर उस पानी के जैसा है, सेम नेचर वाली चीजें आपस में डिजोल्व होती है। और अगर ऑयल नहीं घुल रहा है, मतलब उनका नेचर कैसा है? ऑपोजिट है, ठीक है। तो दिस इज सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने ये कहा कि ये स्पेस में जब जब तक वो फिल हो जाएगा, ठीक है, तब तक आप चीज ऐड कर सकते हो। तो सपोज अभी मैंने 5 स्पून उसमें शुगर के ऐड कर दिए, ठीक है। इसमें मैंने 1 टी किया है, मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम 10 स्पून ऑफ शुगर मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। जब मैं इसमें 10 स्पून शुगर के ऐड कर दूंगी, पूरा फिल, ये जितना भी स्पेस इसके बीच में सब फिल हो जाएगा। तो जब 10 स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिए, दिस बिकम्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर वो सैचुरेटेड है 10 स्पून वाला, तो यहाँ जहाँ 1 स्पून शुगर का ऐड किया, उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड, ठीक है। लेकिन अगर मेरा मूड क्या, नहीं अभी भी नहीं, मुझे और ज्यादा शुगर इसमें डिजोल्व करनी है, लेकिन अब तो इसमें जगह नहीं है। लेकिन क्या, जैसे आप देखते हो जलेबी बनाते हैं तो साथ में उसमें चाशनी बनाई होती है, शुगर का पूरा सिरप बनाया होता है उसमें जलेबी, उसको फ्राई करके उसमें पुट करते हैं। तो वो जब चाशनी बनाते हैं उसको गर्म किया जाता है, क्यों? क्योंकि जब हम उसको गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वो पार्टिकल्स और ज्यादा इसमें डिजोल्व होने लगते हैं। तो अभी जैसे रूम टेम्परेचर पे तो इसको कोई फर्क नहीं है, 10 टीस्पून शुगर की ऐड कर सकता है, लेकिन अगर मैं इसको हीट करूं और 1 स्पून और ऐड कर दूं, तो इसमें ये शुगर भी डिजोल्व हो जाएगी। और अब ये किस तरह का सोल्यूशन बनेगा? सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना ऐड हो सकता था, वो हमने लिमिट किया कि 10 स्पून शुगर के ऐड हो सकते थे, उसके बाद आपने और हीट करके उसमें और ऐड कर रहे हो, तो वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड, जहां लेस देन मैक्सिमम आपने किया है। ये हो गया सैचुरेटेड, जहां पर आप मैक्सिमम ऐड कर चुके हो, और अगर आप और हीट करके और ज्यादा ऐड करना चाहते हो सेम टेम्परेचर पे, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है, और ऐड करना चाहते हो, दैट बिकम्स अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, कुछ सागर फ्रॉम 9 थे, प्लीज कम टू द माइक बेटा। सागर, बेटा ये जो ए वाला ग्लास है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज इट, किस तरह का सॉल्यूशन है ये? इन ग्लास हाँ जी, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन? टाइप मीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। क्यों अनसैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड? क्योंकि इसमें कॉमन डिसॉल्व हुआ है। हाँ, जितना हम मैक्सिमम डिजोल्व कर सकते हैं उससे कम है, ठीक है। ये बी वाला जिसमें मैंने 10 स्पून डाले थे, वो कौन सा सोल्यूशन है? सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड बिकॉज इसमें हम मैक्सिमम डिजोल्व कर चुके हैं, ठीक है। और ये सुपर सैचुरेटेड कब बनेगा? कब बनेगा सुपर सैचुरेटेड? अगर हम काम मिक्स करें कम तो अनसैचुरेटेड था, सुपर सुपर सैचुरेटेड कब बनेगा? बोलो। ज्यादा स्पून डालेंगे। हाँ, वो कैसे डाल सकते हैं? उसको हीट करके, ठीक है, गुड। चलो बैठो बेटा।
ओके, इसके सिवा कुछ और आप अगर पूछना चाहते हो कोलॉइडल सॉल्यूशन वाले टॉपिक तक, पहले वो पूछो फिर हम असाइनमेंट करते हैं। कोई और टॉपिक, कोई और टर्म? नहीं, टेक आउट योर असाइनमेंट्स देन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंसेस? प्योर सब्सटेंसेस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, प्योर सब्सटेंसेस मे बी कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, एंड प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? जिसको आंसर आता है प्लीज कम टू द माइक एंड टेल मी। मैम फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मेक्स द बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट है कि एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं प्योर सब्सटेंस में, एंड थर्ड सेज कि उनकी सेम कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट। ओके, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीट्रोजीनियस मिक्सचर? क्या क्या था? हीट्रो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब तो बताया था कि सेम है, हीट्रो का मतलब क्या होता है? सेम डिफरेंट कॉम्पोजिशन। तो आपके पास ये चार चीजें हैं, आप इसके बारे में सोचो कि इसमें किसमें सेम कॉम्पोजिशन रहती है थ्रू आउट। जैसे मैंने आपको चाय का एग्जाम्पल दिया था कि जब भी मैं सिप पीऊंगी छान के उसको, लेकिन ठीक है, अगर मैंने उसकी जो टी लीव है वो मैं सीव नहीं करती हूँ तो वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाए, उनकी टी लीव भी उसी में रहेंगे। ठीक है, लेकिन अदरवाइज जब सेम कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट तो वो होमोजीनियस है। तो अब आप सोचो, सॉल्ट वाटर, शुगर डिजोल्व इन वाटर, एयर, या ऑयल एंड विनेगर सैलेड ड्रेसिंग, विच इज हीट्रोजीनियस मिक्सचर? क्योंकि बाकी सारी ऑप्शंस में जो दो चीजें हैं वो पूरे अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, एक्सेप्ट द लास्ट वन विच इज ऑयल एंड विनेगर सैलेड ड्रेसिंग। गुड, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर? इसमें भी आपको बताना है कौन सी चीजें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, ए इज ऑरेंज जूस विद पल्प, बी इज सॉइल, सी इज मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सल्फर, एंड बी इज लेमनेड। इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है? लेमन लेमनेड। नींबू पानी बनाओगे तो नींबू का जूस और शुगर को पूरे अच्छे से डिजोल्व आप कर सकते हो और वो होमोजीनियस है। ऐसा नहीं करना है, क्रिस्टल तो अच्छे से करना पड़ेगा, पता चला शुगर के क्रिस्टल अगर नीचे हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा पूरे अच्छे से। या फिर आप पाउडर शुगर या फिर सिरप आप लो तब नींबू पानी बनाना। अगर आपने नींबू को उसमें वो किया, उसकी पल्प भी रहेगी, नींबू के छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं वो भी रहेगी, तो वो इट्रो बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से नींबू पानी बनाना है तब वो होमोजीनियस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर? अगेन, आइस, वुड, सॉइल या एयर, इनमें से कौन से होमोजीनियस? आइस होमोजीनियस है, Yes. यस, वुड होमोजीनियस है, No. नो, सॉइल होमोजीनियस है, एयर No. होमोजीनियस है। ठीक है, एयर में जब तक डस्ट पार्टिकल या और धुआं वगैरह नहीं है तब तक वो होमोजीनियस बनती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब डस्ट पार्टिकल्स अगर आप रूम में देख पाते हो ना तब वो हीट्रोजीनियस बनती है। अदरवाइज एयर, जिसको हम अज्यूम करते हैं प्योर एयर, दैट इज होमोजीनियस। तो ऑप्शन क्या बनती है इससे फोर्थ की? सी ऑप्शन, वेरी गुड। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हीट्रोजीनियस मिक्सचर? स्टेटमेंट वन है, द कॉम्पोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हीट्रो में क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? नो नो, होमो में, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है ट्रू। सेकंड, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। क्या आप उसके कंपोनेंट्स को फिजिकल मींस से सेपरेट कर सकते हो हीट्रोजीनियस मिक्सचर के? फिजिकल मींस से क्या मतलब है कि पिक करके?
आप चीजों को पिक करके अलग कर सकते हो हीटरोजीनियस मिक्सचर में। तो थर्ड है, द मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म अपीयरेंस थ्रू आउट। क्या हीटरोजीनियस मिक्सचर की यूनिफॉर्म अपीयरेंस होती है थ्रू आउट? नो नो, द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स कैन बी विजुअली आइडेंटिफाइड। जो अलग अलग कॉम्पोनेंट है, क्या वो विजुअली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीज है, ये चीज है? विजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो हीटरोजीनियस मिक्सचर में? बोलो। यस यस, सो व्हाट इज ट्रू अबाउट हीटरोजीनियस मिक्सचर? दैट यू कैन विजुअली आइडेंटिफाई कि वो हीटरोजीनियस मिक्सचर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एन एग्जांपल ऑफ, ये भी हमने किया था क्लास मिस्टर मिक्सचर। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर? इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है? हम ऑप्शन सी ओके, ऑप्शन ए है, द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें नॉट वाला हमने कहा ना, इनकरेक्ट करना है, तो इवनली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है होमोजेनियस। सेकंड से इज द मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस, यस इट हैज। थर्ड से इज द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी विजुअली आइडेंटिफाइड। क्या आप होमोजेनियस मिक्सचर में बता सकते हो नेकेड आई से देख के कि इसमें क्या चीज है, कहाँ पर है? जैसे मैंने आपको वही एग्जांपल दिया था कि इस पानी में अगर मैंने नमक डिजोल्व किया, आपको दिख रहा है इसमें नमक? नो, क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विजुअली, एंड द मिक्सचर हैज अ सिंगल फेज। यस, ये अगर इसमें डिजोल्व करो तो देखो ये लिक्विड है। सिंगल फेज, फेज क्या होता है? स्टेट होता है कि सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो सेम सेम फेज होनी चाहिए। तो ये पूरा ग्लास में लिक्विड ही प्रेजेंट है ना, तो वो एक ही फेज है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलते हो आप? लिक्विड सॉल्यूशन, देखो अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें सॉलिड को आप सॉलिड लिक्विड गैस में डालते हो। लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं जिसमें लिक्विड के अंदर सॉलिड लिक्विड या गैस डालते हो, वो लिक्विड सॉल्यूशन हो गए। जैसे इस पानी में अगर मैं नींबू का जूस डालती हूँ, तब भी ये लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्वेंट क्योंकि इसका लिक्विड है। जो ना सॉल्वेंट की स्टेट होती है, वही सॉल्यूशन की भी स्टेट होती है। अभी सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है, अगर मैं इसमें नींबू का जूस डालती हूँ तब भी ये लिक्विड स्टेट रहेगा, लिक्विड इन लिक्विड। अगर मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालती हूँ कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, तब भी ये लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा। अगर मैं इसमें शुगर के क्रिस्टल्स या सॉल्ट डालती हूँ तब भी ये लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा। तो कोई भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट किस स्टेट में है। ठीक है, जो जिस स्टेट में, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड या गैस, कौन सी स्टेट में है, जो स्टेट सॉल्वेंट की होती है वही सॉल्यूशन की भी रहती है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भी आपके पास इसमें, चाहे आप सॉलिड पुट करो लिक्विड में, गैस पुट करो लिक्विड में, या फिर लिक्विड पुट करो लिक्विड में, वो लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा। तो कौन कौन सी ऑप्शंस इसमें करेक्ट होंगी, टेल मी। फर्स्ट ऑप्शन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड, क्या ये लिक्विड सॉल्यूशन है? इट इज लिक्विड, एंड लिक्विड इज लिक्विड सोल्यूशन ओनली। मैंने बोला अगर आप नींबू का रस इसमें ऐड करते हो, लेमन जूस इसमें ऐड करते हो, वो भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड सोल्यूशन बनाते हैं। सेकेंड ऑप्शन, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, अगर आप सॉल्ट या शुगर इसमें ऐड करते हो तब भी ये लिक्विड सोल्यूशन रहेगा, और अगर आप गैस इसमें ऐड करते हो तब भी ये कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में भी तो लिक्विड ही रहेगा ना, तब भी ये लिक्विड सॉल्यूशन ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाती है इस आंसर के लिए? ABC ए, बी, सी। ठीक है, ओके। देन इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है आयोडीन इन अल्कोहल। ठीक है, आपने एनसीईआरटी में है, आपने पढ़ा है। हाँ, ये एंटीसेप्टिक है, दिस इज आयोडीन इन अल्कोहल।
ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन यस बोलो. स्टील स्टील. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था आयरन है आपके पास, आयरन की शीट. अगर आप आयरन के एटम्स को रिप्लेस करके उसमें और कोई एलिमेंट और या फिर उसके गैप्स में आप छोटे छोटे वो कार्बन का कार्बन उसमें ऐड की जाती है मेनली आयरन में, उसको स्टील में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उसमें और जो नॉन करोडिंग एलिमेंट्स है उनके पॉलिश किया जाता है. ठीक है, तो वो बन जाता है सॉलिड सोल्यूशन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गैशियस सोल्यूशन. द सोल्यूट इज ऑलवेज अ गैस एंड द सॉल्वेंट इज ऑलवेज अ लिक्विड. गैसियस सोल्यूशन में क्या होगा, गैस सॉल्वेंट होगी मेनली. गैस के अंदर आप चीजें ऐड करोगे, तो सोचो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी. सॉल्यूट इज ऑलवेज अ गैस एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज अ लिक्विड. नहीं, सॉल्वेंट हमारा गैस होना चाहिए. सेकेंड ऑप्शन, द सॉल्यूट इज ऑलवेज अ लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज अ गैस. ऑलवेज तो नहीं होता, लेकिन सॉल्वेंट आपका गैस ही होना चाहिए. ठीक है, द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर बोथ गैसेस. यस इट कैन बी ट्रू. द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी बोथ गैसेस और अ गैस इन अ लिक्विड. नो, बी एंड सी आर करेक्ट. ठीक है, जो आपका गैसियस सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट हमेशा गैस होनी चाहिए. ठीक है, सॉल्यूट कुड बी सॉलिड लिक्विड और गैस. इसमें इस तरीके से रहता है. अगर आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें सॉलिड इन सॉलिड या लिक्विड इन सॉलिड या गैस इन सॉलिड होगा. ठीक है, दीज आर सॉलिड सॉल्यूशंस. ये आपका सॉल्वेंट इसमें सॉलिड होगा. ठीक है, जो लिक्विड सॉल्यूशंस है उसमें आप सॉलिड लिक्विड या गैस पुट कर सकते हो लिक्विड में, ये आपके लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं. और जो आपके गैसियस सॉल्यूशन है इसमें आप सॉलिड लिक्विड या गैस पुट कर सकते हो गैसियस सॉल्वेंट में. ठीक है, तो ये आपके सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशंस हैं. एजर्शन रीजंस पे आओ. अजर्शन है आपके पास फर्स्ट वाली, सॉल्ट सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर. क्या सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्सचर होता है? यस यस. ओके एंड रीजन टू दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर बाय केमिकल प्रोसेसेस. इज इट ट्रू? कौन सी प्रोसेस है जिसमें आप सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हो वाटर से? सॉल्यूशन आप इवेपोरेशन से भी, जैसे जो सी वाटर, सी जो हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं ना, तो इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है. ठीक है, तो इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है. हम वहां पर जाकर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं. आपको सी के सरफेस पे, ये जो गुजरात वाली साइड है, यहाँ पर सी के सरफेस पे सॉल्ट के पूरे ढेर ढेर ऐसे लगे होते हैं जहां पर सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है. तो वो नेचुरली उसके बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है. प्योरिफिकेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है, लेकिन सेपरेशन ऑफ सॉल्ट इज अ फिजिकल प्रोसेस, दैट इज जस्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर. सो इसका जो रीजन है दैट इज नॉट ट्रू. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू केमिकल प्रोसेसेस फॉर देयर सेपरेशन. इवेपोरेशन से, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेशन पॉसिबल होती है. सो अजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट. तो इट्स सी हो जाएगा इसका. नेक्स्ट इज सॉलिड अलॉय कैन हैव एनहेंस्ड रेजिस्टेंस टू करोजन. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आयरन है वो करोड हो जाती है, तो हम स्टील की प्लेट्स क्यों यूज करते हैं कि उसके करोजन से उसको बचा सके. उसके लिए हमें उसका अलॉय, उसके साथ और चीजें मिक्स करनी पड़ती है, कार्बन मिक्स करना पड़ता है और एलिमेंट्स मिक्स करने पड़ते हैं ताकि वो करोड ना करे. रीजन, द एडिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इन अलॉयज कैन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सर्फेस इम्प्रूविंग देयर रेजिस्टेंस टू करोजन. सो इज दिस ट्रू? एमएस यस. सो एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलॉयज आर हीटरोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू अर्थ. सॉरी,
सॉरी बेटा, अलॉय इज अ हीटरोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। आप अलॉयज में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों यूज कर सकते हो। एंड द रीजन इज अलॉयज आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल्स, रिजल्टिंग इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल एटम्स थ्रू आउट द सॉलिड स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया था कि आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो स्फेयर मैंने ड्रॉ किए थे, कि उसमें से आप किसी को रिप्लेस कर देते हो, क्योंकि सॉलिड में बीच में चीजें एडजस्ट नहीं हो सकती हैं ज्यादा, छोटे छोटे एलिमेंट्स उनके छोटे छोटे गैप्स में आ जाते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई उसी के साइज का एलिमेंट उसमें मिक्स करना हो, तो एक को निकाल के दूसरे को मिक्स किया जाता है, तो उनको गर्म करके मॉल्टन, उसको मॉल्टन फॉर्म बोलते हैं, गर्म करके फ्यूज्ड फॉर्म उनको मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो ये कहता है दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मेटल्स। मॉल्टन होते हैं फ्यूज्ड फॉर्म में उसके मेटल्स, उनको फिर मिक्स किया जाता है और इससे उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो जाती है। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, मेटल्स को मिक्स करने के लिए पहले उनको हीट करते हैं, हीट करके वो फ्लोई से बन जाते हैं, मॉल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि दो सॉलिड्स को मिक्स करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अब मैं इसको और इसको मिक्स करूंगी तो ऐसे थोड़ा ना मिक्स हो जाएंगे। अगर मुझे दो मेटल्स को मिक्स करना है तो मुझे उनको हीट करके लिक्विफाई सा करना पड़ता है, जिसको मॉल्टन फॉर्म कहा जाता है, फिर उनकी मिक्सिंग पॉसिबल हो पाती है और वो एटम्स ऐसे आपस में होमोजेनियस मिक्स हो जाएंगे, कि ये वाला एक एक तरह का एटम, ये आयरन है मान लो, और ये मेरा कोबाल्ट है या निकल है। ठीक है, तो ये इस तरह से मिक्स हो जाएंगे, एक एक का एटम एक दूसरे का एटम, होमोजेनियसली वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अजर्शन फॉल्स है। एक तो वो होमोजेनियसली मिक्स होते हैं, दूसरी बात वो जरूरी नहीं अलॉयज मेटल्स का ही मिक्सचर हो, उसमें नॉन मेटल भी होता है, एंड रीजन इज ट्रू फॉर दिस। ठीक है, तो आप बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, दो चार बचे हैं, ये आप घर पे करना, जो भी डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो और टॉपिक, इसमें से कुछ भी घर से सोच के आना, पढ़ के आना, जो भी इस कोलॉइडल सॉल्यूशन वाले पार्ट तक जो भी कोई क्वेश्चन होगा आपका, प्लीज आप नोट डाउन करके आना मेरे से, नेक्स्ट क्लास में आपने पूछने हैं। ठीक है, समझ ओके आई आपको जो भी आज किया हमने? मैम, यस। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू मैम।